हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ। अब मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, बट अब मैं ठीक हूँ। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो हाय, मैं निशु हूँ और मैं इस वीडियो पे स्टडी ब्लॉग, स्टडी चैलेंज, स्टडी टिप्स एंड लाइफस्टाइल ब्लॉग्स बनाती हूँ। तो अगर आप मुझे आगे भी देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर लेना। बोलना पड़ता है, मैंडेटरी सा हो गया है क्योंकि अब YouTube पे ऐसा बोलते हैं, तो मैं भी बोल देती हूँ। सो या, तो आज का ये स्टडी व्लॉग है जिसमें एक्चुअली अभी अभी मैंने 12 डेज चैलेंज ख़त्म किया, बट मैं थोड़ा बहुत तो रह ही गया था चैलेंज में ऑब्वियसली। तो मैं पिछले 2-3 दिनों से तो मैं अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाई, तो मैं आज से फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। आज का डेट है 12th of April और तो अभी शुरू करते हैं आज का दिन और इस वीडियो को भी। Tell that you can't focus, you haven't been yourself in a minute, and I know that your mom's been sick. It's been a while since we talked about it. I don't know how to ask if you're okay, but you should know at the end of the day, when you don't know how to be strong, you can't. My heart got broke. Remember, you were there to help me cope, so you don't gotta go through this alone. You know I got your back, I'll always be your homie. If you're lonely, you can call me. स्टडी मैंने कंप्लीट कर दिया। मैंने 6:30 से शुरू किया था बायोलॉजी पढ़ना, जिसमें कि मैंने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म और रिप्रो इन यू नो ह्यूमन, वो वाला कंप्लीट कर लिया। अब मैं रिप्रो हेल्थ पढ़ूंगी अभी, एंड या उसके बाद मुझे क्वेश्चंस करने हैं इसके, तो शुरू करते हैं। सो गाइज, अभी मैंने बायो के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और बायो वाला काम आज का हो गया है। आज तो बहुत सारा काम है मुझे। फिजिक्स भी अभी पढ़ना बाकी है, केमिस्ट्री, इसके बाद मुझे ट्यूसडे टॉप वीडियो शूट करना है। काम भी काम है और देखते कर पाते हैं कि नहीं आज जितना है काम। But you should know at the end of the day, when you don't know how to be strong, you can't. Cause I see through it if your world is feeling
स्टैटिक्स का नोट्स रिवाइज कर लिया है और टाइम अभी हो रहा है 12, सो 12 बज चुके हैं और मैं सुबह 6:30 से पढ़ना शुरू की थी आज, और 12 बज चुके हैं और अभी तक मैंने ऑलमोस्ट 4.5 आवर्स की स्टडी कर ली है, जिसमें कि मैंने आई थिंक 3.5 घंटे आज मुझे बायो में लग गए, क्योंकि 3 चैप्टर किया, फिर उसके क्वेश्चंस किए, और अभी फिजिक्स का 1 आवर ऑलमोस्ट आई थिंक हाँ उसमें रिविज़न में लग गया है। सो अभी मेरा ब्रेक है लाइक 2 ढाई बजे तक, एंड उसके क्योंकि इसमें मैं फ्रेशन अप हो जाऊँगी और फिर लंच वगैरह करके एंड देन फिर शुरू करेंगे। तो या मिलते हैं फिर थोड़ी देर बाद। सो गाइस 2:30 हो रहा है और मेरा नहाना हो गया, लंच कर लिया मैंने, थोड़ा रेस्ट भी कर लिया और अब मैं फिर से स्टडी करूँगी और अभी मैं 2 आवर्स फिजिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी। तो या शुरू करते हैं। When my heart got broke, remember you were there to help me cope. So you don't gotta go through this alone. You know I got your back, I'll always be your homie. If you're lonely, you can call me when you don't know how. So guys, अभी physics का question कर लिया मैंने, electrostatics और unit and dimensions के. So अभी आगे फिर देखते हैं कि क्या करना है. तो गाइस अभी 4:48 हो रहा है, तो और मैं बिस्किट खा रही हूँ और अभी मैंने जो आज टारगेट रखा था उसमें से सारा कुछ हो चुका है, बस मुझे सॉलिड स्टेट्स भी पढ़ना है और इसके बाद मैं पढ़ूंगी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के कुछ टॉपिक्स। और मैंने अपने स्केड्यूल, मतलब कि मैं अपने स्केड्यूल में वो रखूं या ना रखूं, लेकिन रोज़ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का एनसीईआरटी कुछ पेजेस पढ़ूंगी और उसके क्वेश्चंस करूंगी, बिकॉज वो चीज़ें भूलते जा रहे हैं हम। तो या तो आज का टारगेट तो अभी 1-2 घंटे, मतलब 1 घंटे 1.5 घंटे में हो जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर मैं वर्कआउट करूँगी एंड उसके बाद फिर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का भी एनसीईआरटी पढ़ूंगी। एक्चुअली मैंने एक सोचा हुआ है कि मुझे ऑलमोस्ट लाइक 40 डेज या 35 डेज में अपना पूरा सिलेबस पूरा एक बार पूरा ख़त्म करना है, तो उसके लिए मैंने छोटे छोटे मतलब टारगेट लेते हुए और हर 2-3 दिन में कुछ चैप्टर्स कंप्लीट करके चैप्टर वाइज टेस्ट दूंगी एंड इस तरह से मैं टेस्ट के वजह से मैं पढ़ूंगी भी और मेरा सिलेबस भी ख़त्म होगा। तो यही मैंने सोचा है, तो देखते हैं ये प्लान कितना हो पाता है। और इसीलिए मैंने ऐसे भी सोचा था कि मैं डेली ब्लॉग्स बनाऊं ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूं, और ब्लॉग्स बनाना रहता है तो अच्छे से मोटिवेट होके बना पाते हैं, पढ़ भी पाते हैं, और मेरे ब्लॉग्स देख के शायद आप सब भी थोड़े बहुत मोटिवेट होते होंगे पढ़ने के लिए। तो बट कमेंट्स में बताना मुझे कि अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगता है तो फिर कंटिन्यू करेंगे। हालांकि बहुत हैक्टिक हो जाता है सूट करके पढ़ने में, बट कोशिश करेंगे कि यस कंटिन्यू करें ब्लॉग्स कुछ दिनों के लिए, एटलीस्ट 10-12 डेज के लिए, ताकि हैबिचुअल हो जाए। सो या यही बताना था अभी। तो अभी मैं थोड़ा सा 5 मिनट और ब्रेक लेके और अब सॉलिड स्टेट शुरू करूँगी। Lean on me, I'll be your rock at the bottom. You don't have to be cool, 'cause I see through it. If your world is feeling heavy, I can carry it too. Let me be your friend.
35 हो रहा है और सॉलिड स्टेट्स पढ़ लिया है मैंने, क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी, हो गया है। और अभी या तो मैं ब्रेक ले लूँगी या तो मैं कुछ ऑर्गेनिक या अनऑर्गेनिक पढ़ूँगी, एंड या इसके या तो फिर मैं वर्कआउट करके पढ़ूँगी, तो या देखते हैं क्या करना है अभी। तो अभी 7:10 हो चुका है और मैंने वर्कआउट कर लिया अभी, और मैं अब फ्रेश होके पढ़ूँगी। चैप्टर कंप्लीट कर लिया है एनसीईआरटी रीडिंग करके। अभी टाइम हो रहा है 9 PM आई थिंक, यस। एंड मेरा डिनर आ गया है तो मैं अब डिनर करूँगी, और इसके बाद फिर इनऑर्गेनिक का भी मैं कुछ रीड करके, एंड देन फिर आज का सारा काम ख़त्म होगा। Because you listen when my heart got broke. Remember you were there to help me cope. So you don't gotta go through this alone. You know I got your back, I'll always be your homie. If you're lonely, you can call me. When you don't know how to be strong, you can lean on me. I'll be your rock at the bottom. You don't have to be. So guys, agar aap चाहते हैं कि मैं अपने ट्यूसडे टॉक वाले वीडियो में आपको फीचर करूं, तो आप मेरे इस वीडियो में #life के साथ कुछ भी कमेंट कर सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो, और मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूंगी। तो या ज़रूर पार्टिसिपेट करना इसमें। सो गाइस, मैंने डिनर कर लिया है और इनऑर्गेनिक का भी थोड़ा सा एनसीईआरटी पढ़ लिया है। मैंने शूट नहीं किया बिकॉज मेरा फ़ोन अब डिस्चार्ज होने को है, और इसे अब मैं चार्ज में लगाऊंगी, एंड इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। एंड अच्छा रहा ये वाला ब्लॉग, आई होप सो, बिकॉज़ मैंने अच्छे से आज पढ़ाई की है तो मुझे फील गुड हो रहा है। एंड 3 दिनों के बाद मैंने आज ढंग से पढ़ाई की है, और नए हो इस चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना इस वीडियो को, एंड प्लीज़ सपोर्ट करो, और जल्दी 1000 सब पहुँचा दो प्लीज़। शेयर करो यार अपने दोस्तों से अगर अच्छा लगे तो, ऑब्वियसली। एंड या मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, एंड अच्छे से पढ़ाई करते रहो। Baby, it's 4:30 and my whole world is upside down.